बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, शिक्षा में समायोजन अनुदेशक मानदेय वृद्धि। बड़ा समाचार आ रहा है उत्तर प्रदेश से, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बैठक हुई है, बड़ा समाचार है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग हुई है बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को लेकर उसके सुधार के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो तस्वीरें जो कि मीटिंग के समय ली गई हैं। इस मीटिंग में खास शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेकर एक बड़ा समाचार निकल कर आया, जिसको बताया है डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने, जो कि आगरा से हैं, शिक्षक विधायक के MNC स्नातक शिक्षक विधायक हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है अपने फेसबुक ट्रेंड पेज पर, और साथ ही अन्य समाचार पत्र हैं जो कि लखनऊ से संबंधित हैं, वहाँ पर एक बड़ा समाचार प्रकाशित किया गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये डॉक्टर बहादुर तिवारी जी, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पर इसको साझा किया है। आइए जानते हैं अलीगढ़ से प्रकाशित जागरण संवाददाता की ये रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लखनऊ में विधान परिषद सदस्य स्नातक MNC व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में शिक्षा मित्रों के समायोजन पर समिति की सहमति बन गई है। तदर्थ शिक्षकों के विषय में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया है कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जा रहा है, जो मान्य समिति को बता दिया जाएगा। शिक्षक MNC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए समिति गठन के निर्देश दिए गए हैं, यह 3 के अंदर रिपोर्ट देगी। अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर भी सहमति विचार कर रिपोर्ट देगी। आगे समाचार लिखा है, प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप की मान्यता दिए जाने की मांग। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति बनाने के निर्देश नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य जी ने दिए हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर कोर्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस तरीके से एक बड़ा समाचार आ रहा है। जागरण संवाददाता मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी समाचार जान रहे थे, अब आप जानते हैं, ये देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये समाचार वायरल हो रहा है। नेता सदन माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक, स्नातक MNC बाबूलाल तिवारी, देवेंद्र प्रताप सिंह, श्री चंद्र शर्मा सहित सभी MNC ने अनुदेशक सहित सभी संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की रखी बात, और वैश्विक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लंबित प्रकरण का उठाया गया मुद्दा, इनको पूर्ण किए जाने के लिए बात रखी गई है। डिप्टी CM ने सारे लंबित प्रस्ताव का शीघ्र निस्तारण दिलाए जाने का भरोसा दिया है। लखनऊ आज नेता सदन विधान परिषद माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में माननीय विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक MLC गणों और बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें तदर्थ शिक्षकों के को लेकर एवं शिक्षा मित्र विषय विशेषज्ञ आदि की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। जिन मुद्दों पर बात हुई आइए जानते हैं क्रमवार। तदर्थ शिक्षकों के विषय में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि कोर्ट के निर्देशों के आलोक में निर्णय लिया जा रहा है, जो जल्द ही मान्य समिति को अवगत करा दिया जाएगा। नंबर 2 बिंदु है, शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सहमति बन गई है, जल्दी इसके निर्देश जारी किए जाएंगे। बड़ी खुशखबरी है, शिक्षा मित्रों में चर्चा परिचर्चा होने लगी है। शिक्षा मित्रों के मानदेय हेतु समिति गठन के निर्देश दिए गए, जो 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर भी सहमति और समिति विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी। 4 नंबर पर प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप की मान्यता दिए जाने की मांग हम सब ने की, जिस पर जानकारी दी गई कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं, उनमें बाल वाटिका के नाम से कक्षा संचालित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अन्य विद्यालयों के लिए मान्यता की भी नीति बनाई गई है। 5वें पॉइंट में चर्चा हुई है, वैश्विक के शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति बनाने के निर्देश नेता सदन जी द्वारा दिए गए हैं। 6 नंबर है, 69,000 शिक्षकों के भर्ती वाले विषय पर कोर्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है, जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे लागू कर दिए जाएंगे। 7वें नंबर पर प्रमुख मुद्दा है, संस्कृत विद्यालयों की मान्यता हेतु जमीन की उपलब्धता लीज डीड होने पर भी मान्यता दिए जाने का प्रावधान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 8वां नंबर है, वित्त विहीन शिक्षकों के अनुभव को भी प्रिंसिपल चयन में मान्य किए जाने के लिए नीति बनाने का
तय हुआ है। नवा पॉइंट है, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कमेटी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दसवा पॉइंट है, राजकीय विद्यालयों में 12,000 शिक्षकों के चयन हेतु अध्याचन गया हुआ है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई चयन आयोग द्वारा दी जाएगी। ग्यारहवें पॉइंट में चर्चा हुई है, पुराने मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड के विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता हेतु वर्तमान भूमि की उपलब्धता के मानकों में शिथिलीकरण के विषय में विचार करने को कहा गया है। बारहवां पॉइंट है, अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन हेतु नीति बनाई जा रही है। देखते हैं तेरहवां पॉइंट, वित्त विहीन शिक्षकों के लिए नीति बनाने हेतु समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। चौदहवां पॉइंट, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु नीति बनाई जा रही है। 15 पॉइंट है, वित्तहीन विद्यालयों के मेधावी छात्रों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा हुई है। हृदेश कुमार जिलाध्यक्ष झांसी प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुदेशक संघ से हैं, इन्होंने ये समाचार सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आइए देखते हैं वहां पर चश्मदीद डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जो कि MLC शिक्षक विधायक हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अवगत कराया है। लिखते हैं, लखनऊ में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नेता सदन विधान परिषद की अध्यक्षता में वैश्विक शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षा संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए साथ में सभी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। ये कार्यक्रम हुआ है, इन्होंने इसको लिखा है अपने पेज पर। आइए जानते हैं सर के बारे में। मानवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद MLC के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वह अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति NMCAME शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भी हैं। उनके द्वारा ये बताया गया है समाचार, इस मीटिंग के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसका मतलब ये खबर 100% सत्य है। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के दिन बहुरेंगे, अब ये निश्चित हो चुका है। आइए चलते चलते एक और पोस्ट देख लेते हैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी की। उन्होंने लिखा है, आज विधान परिषद लखनऊ में माननीय नेता सदन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया, जिसमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, अपर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उपस्थित रहे। इसमें प्रमुख रूप से वित्त विहीन शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजना लागू की जाने, विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन से लाभान्वित किए जाने, अनुदेशक शिक्षा मित्रों संस्कृत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने, वर्ष में एक बार परीक्षा कराए जाने आदि विभिन्न शिक्षकों तथा छात्रों के विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है। उन्होंने इस बात को अपने फेसबुक पर लिखा है और बताया है। साथियों, कहावत है, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो अब शिक्षा में अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान होगा। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बैठक हुई है। आगामी चुनाव के मद्देनज़र इस सभी को देखते हुए लगता है अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के भविष्य सुधर जाएंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, आप अपने बच्चों के लिए राइम्स, इंग्लिश हिंदी पोएम्स, कहानियाँ और छोटे छोटे वो दृष्टांत जो बच्चों को भाते हैं हमारे दूसरे चैनल DK देव स्टूडियो से जाकर निशुल्क सुन सकते हैं और बच्चों को सुना सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के लिए समर्पित है, राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित है, नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने के लिए समर्पित है। आपके दिन बहुरें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। एनिमल सॉन्ग, चिड़िया बोले चू चू चू, गिलहरी बोले कु कु कु, मेंढक बोले टर टर टर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो को जाकर डायरेक्ट चैनल पर देख सकते हैं। बस आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें कि हमारे कंटेंट आपको कैसे लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।